हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी और IMP की रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से दो यूनिट है जो सबसे ईजी रहेंगे और कम टाइम में हम लोग रेडी कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारा पेपर 50 मार्क और 2 वर्क के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर में आपको दो सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा उसमें आपको चार क्वेश्चन एक एक यूनिट में से देखने को मिलेगा। बट आपको याद रखना, चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में होने वाले हैं, चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में होंगे। साथ साथ में एक क्वेश्चन के टोटल 20 मार्क होने वाले हैं। इसका मतलब चार में से कोई भी दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, Any 2। जब आप कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर के 40 मार्क हो जाएंगे कवर। बाकी जो 10 मार्क बचे वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिसके थ्रू आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। तो इस तरह से कुछ होने वाला है पेपर पैटर्न का ओवरव्यू। आई होप आपको क्लियर हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक एक क्वेश्चन के अंदर हर एक यूनिट में से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो कितने मार्क में हो सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। बाय चांस कुछ चेंज होना तो एग्जाम के दिन हो भी सकता है। देखिए, पहले आपको पता है कि हमारा टाइम अभी 2.5 आवर का हो चुका था, लास्ट 2019 की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम ही हमारा ओनली 1 पेपर हुआ है, ठीक है, न्यू सिलेबस के साथ। उसके बाद हमारे दो जो ईयर थे उसमें हमारी एग्जाम सेमेस्टर 2 की नहीं हुई थी। तो हमारा पेपर के मार्किंग में 14 मार्क का एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में 7-7 के दो पूछ लिए जाते थे। उससे पहले की बात करूं तो जब 3 आवर का टाइमिंग हुआ करता था तो 7, 4 और 3 कुछ इस तरह से हुआ करता था। 3 मतलब वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे, बट यहाँ पर आपको 7 मार्क में एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 मार्क में भी आपको एक छोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने रहते थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगा कि हर एक यूनिट के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं, तो 14 को डायरेक्ट 20 करके पूछे ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम। इसलिए बोला कि बाय चांस कई बार हो जाता है ऐसा कि डायरेक्ट 20 का एक पूछे, लेकिन इस सर्वे में जो ज़्यादातर होने के चांसेस है कि आपको 10-10 मार्क के दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक यूनिट में से, ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है। इसका मतलब जब दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो उसके थ्रू आपका यूनिट कंप्लीट होगा और आपके 20 मार्क इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में सेम इसी तरह हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ऊपर के चार क्वेश्चन के बारे में मार्किंग के बारे में क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या होगा, जहां तक मेरा कहना 99% जो हो सकता है वो यहाँ पर MCQ ही होगा। वैसे तो प्रीवियस जब 7, 4 और 3 मार्क का होता तो 3 मार्क के अंदर इसमें MCQ ना पूछ के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए, बट मेरा जहाँ तक मानना है कि यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट में MCQ ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर MCQ की पहले मार्किंग की बात कर ले, उसका तैयारी कहाँ से करनी उसकी बात करते हैं। तो मार्किंग में जैसा आप सबको पता है कि एक MCQ 2 मार्क का होने वाला है, तो इसका मतलब आपको 5 जितने MCQ ही सॉल्व करना है, जिसके थ्रू आपके पेपर के 10 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। बट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में 10 के अबो या 10 के अराउंड MCQ दिए गए होंगे, तो उसका मतलब आपको कोई भी 5 जो वो पहले लिखने जो आपको आते हैं, जिससे आपके 10 out of 10 कंप्लीट हो जाए। अब इसकी स्टडी कहाँ से करनी है, ऐसे बुक में से ही करना है। बुक में बता दूँ, आपको पता ही होगा कि आपके हर एक यूनिट के अंदर MCQ दिया गया। गुजराती मंडल में आप बुक रख सकते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सेक्शन दिया गया है, जो आपको लास्ट में यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी MCQ हुए वो आपको दे दिए गए, तो आपको वो MCQ रेडी कंपलसरी सबसे पहले करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बार मैं बता देना चाहूँगा, ये MCQ आपको पहले रेडी करना है, क्योंकि इनमें से 5 MCQ तो मिल ही सकते हैं। हर एक यूनिट की बात करो, चारों चार कर लेना, ठीक है। पहले इन MCQ को रेडी करना है, उसके बाद भी सेकंड क्या हो सकता है MCQ के अंदर मैं बात बोलना चाहूँगा। जैसे आप जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना, जैसे एज अ एग्जाम्पल, जैसे आपने इसके फंक्शन पढ़ लिए, ठीक है, फंक्शन जैसे मैं बोलना चाहूँगा, या फिर ये फंक्शन आपने पढ़ लिए, तो जो फंक्शन के पॉइंट होते हैं उसमें से 4 पॉइंट दिए गए, पूछा गया होगा इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है या ऐसा कोई कौन सा फंक्शन है, ऐसे टाइप के भी MCQ बन सकते हैं। तो आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के कुछ 3-4 पेपर के MCQ करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। क्लियर है MCQ प्रिपरेशन कहाँ से करना है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर तो इस तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन की डिटेल में डिस्कशन कर ली। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी और IMP को लेकर। देखिए, इस एग्जाम में कौन सी स्ट्रेटेजी से कम टाइम में हम पूरे मार्क अटेम्प्ट कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। तो देखिए, मेरा जो कहना है, ये हमारा थियोरिकल सब्जेक्ट है टोटली, तो इसमें 4 है आपको लिखना है, एग्जाम में कोई भी 2 है, तो एक ऐसा है जो कंप्लीट आपको नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से उसको छोड़ देना चाहिए, कंप्लीटली उसको इग्नोर कर लेना चाहिए। कोई भी एक यूनिट, वो आपकी चॉइस है, आपको जो लगता है वो छोड़ सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं किए, तो उसके लिए बोलना चाहूँगा यूनिट नंबर 4
आप छोड़ सकते हो, पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने इसमें से कुछ क्वेश्चन याद किए वो रिवाइज जरूर कीजिएगा। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ सकते हो। इसमें टॉपिक थोड़े ज़्यादा है, लेंथी है, तो इसको आप ड्रॉप अप कर सकते हो। और ऊपर के तीन में से, अब इनमें से प्रायोरिटी में दो की बात करूँ तो कौन से दो पहले करने चाहिए और उसमें IMP क्या, तो उसको लेकर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए मेरा जैसा मानना है कंपल्सरी पहले कौन सा करना चाहिए, एक कंपल्सरी सबको करना चाहिए, वो मेरा मानना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तीन में से जो भी आपको बेस्ट आपको आता है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन याद है वो आप कर सकते हो या जिसमें आपको लिखना ज़्यादा फायदा है। अब पहले इसकी IMP की बात कर लेता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद बाकी 2 मिनट की भी बात करूँगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो देखिए ऐसे तो बोलना चाहूँगा IMP के बेस पर आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका जनरल ऑप्शन है और वहाँ पर आप पूरा सिलेबस तो तैयार कर ही नहीं रहे हो, मिनिमम कर रहे हो। अगर 50% ही कर रहे हो, कोई दो ही कर रहे हो, तो पूरे से पूरा मतलब 90% कर लीजिए। लेकिन आप तीन कर रहे हो तो कर सकते हो, थोड़ा कम क्वेश्चन चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक दो करोगे तो पूरा कर लेना। ठीक है, IMP बात कर लेता हूँ, 10 क्वेश्चन दिए गए तो 10 में से 7 जितने क्वेश्चन कम से कम आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे ना तो 7 आपको पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन बता दे तो वो पहले पढ़ना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 1-2 जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा जो कहना है, सबसे पहले एक बात सुन लीजिएगा कि आपको जो कंपल्सरी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये पहले मैं बता देता हूँ, हर एक यूनिट में से जो आप यूनिट रेडी कर रहे हो, कुछ कुछ टॉपिक जो आपको कंपलसरी पढ़ने ही चाहिए, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक जो दिए गए लक्षण जिसको फीचर बोलते हैं, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। उसी तरह से सेकंड रोल होता है, शायद गुजराती में भूमिका लिखा होगा। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन रहता है फंक्शन, जो फंक्शन रहता है गुजराती में कार्यो लिखा होगा। मतलब कोई भी टॉपिक, जैसे कि मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में अगर 3 टॉपिक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, उसका रोल पढ़ लेना है, उससे फंक्शन। इसी तरह जैसे कि कैपिटल मार्केट, गुजराती वाले समझ जाएंगे, तो उसके भी पढ़ लेना है। जिस तरह से पहला फाइनेंशियल मार्केट है, तो उसमें भी ये 3 टॉपिक होंगे तो पढ़ लेना है। जैसे रोल्स ऑफ SEBI का भी हो सकता है, तो वो वाला रोल्स पढ़ ही लेना है। मतलब इन टॉपिक में से देखना, ऊपर के जो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे उसमें से 1 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। जैसा मेरा मानना है कि 3 देखोगे उसमें से कोई एक टॉपिक तो आपको एग्जाम में होगा ही, तो ये तो पढ़ लेना है जो यूनिट आप रेडी कर रहे हो। ठीक है, अब IMP की बात कर ले तो आइए, वो उससे भी आपको हेल्प हुई होगी पढ़ने में। तो जैसे मैंने कहा, इसका कैरेक्टरिस्टिक लक्षण पढ़ ही लेना। दूसरा टॉपिक में बात कर ले तो पॉइंट देखिएगा, गुजराती वाले समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नहीं रीड करो, पर सेम ही होगा, 3 और 4 पढ़ लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 तो कंपलसरी सबसे पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको डिटेल में लिखना भी है किसी के बारे में पॉइंट याद करने के बाद, तो ये कॉम्पोनेंट घटक वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंदर रीड कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 और 8 ध्यान रखिएगा, फंक्शन रोल जैसे मैंने कहा पढ़ना ही पड़ेगा, फंक्शन रोल गुजराती वाले समझ जाएंगे। यहाँ पे स्कोप टाइप और कंपोनेंट, 5 क्वेश्चन मैंने दिए, 5 पहले पढ़ने, वैसे कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, टोटल 6 हो गए, ये 6 पहले पढ़ने हैं कंपलसरी, 10 में से 6 पहले पढ़ेगा। उसके बाद 1-2 ऊपर से हल्का हल्का देख लेना है, जिससे आपको कोई रिस्क होने वाला नहीं और आपका ये यूनिट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रायोरिटी में बोलना चाहूँगा कौन सा कर सकते हो, तो दोनों एक जैसे ही चैप्टर है, आपने शायद इसको पहले भी कहीं बार BCom में भी आपने पढ़ा ही होगा, तो इस टॉपिक में से जो आपको ज़्यादा याद होता है, जो अच्छे से लिख सकते हो, वो रेडी कर लेना। लेकिन जिन स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो खुद चाहते कि मैं उसे सजेस्ट करूँ, तो सेकेंड आप मनी मार्केट जिसे नाना बाजार बोलते हैं उसके अंदर जा सकते हो। IMP क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 12 क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा 3-4 टॉपिक को फिक्स पढ़ने ही है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लक्षण दिए गए पढ़ना ही है, पॉइंट 1 हो गया, जैसे फंक्शन मैंने कहा, ठीक है, कार्य वो 2 हो गए, पढ़ना ही है। फिर रोल की बात करूँ, अगर रोल यहाँ पर दिया गया है तो आपको पढ़ लेना है, इसमें नहीं है तो रोल नहीं, तो आपको रखना इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव हेतु लिखा होगा। तो ऊपर के 3 टॉपिक कंपलसरी आपको पढ़ने हैं, 1, 2, 3, ये 3 हो गए। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट 12, डिफरेंस जो दिया गया तफावत, वो पढ़ लेना, 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक क्या है कि जो इसके इंस्ट्रूमेंट है, साधन, कि कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, टोटल 10 पॉइंट दिए गए। इनमें से क्या हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट किसी एक के बारे में कुछ भी टॉपिक पूछ सकता है, इसमें भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन है एक एक के बारे में, उसमें से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो अब इनमें से 10 में से स्टार्टिंग के 4 को प्रायोरिटी दीजिए, 4 के बारे में पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, इन 4 में से, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिख लीजिए, तो अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो, समझ गए होंगे। ऊपर के 4 के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए, इनमें से अगर पूछना है तो एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो यहाँ पर बस इतने क्वेश्चन पहले पढ़ना है, जैसे स्टार्टिंग के 3,
पॉइंट नंबर सिक्स इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने कहा वो भी इसमें स्टार्टिंग है चार, बट याद रखें बाकी जो बचे थोड़ा बहुत नॉर्मल, जैसे इसका फुल फॉर्म पढ़िएगा जैसे कि हमको एमसीक्यू में हेल्प हो सके, ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 12 तफावत डिफरेंस जो मैंने कहा है, बाकी पूरा बाकी जो बचे उसको टोटली इग्नोर मत कीजिए, हल्का फुल्का आप देखना चाहो तो देख सकते हो, टाइम बचता है लास्ट वन आवर टू आवर के अंदर। दो मिनट डिटेल में हो चुके, अब तीसरा मिनट भी आपको करना है तो ये हमारा कैपिटल मार्केट मूड़ी बाजार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प के रूप में कि इसमें से अचानक वही क्वेश्चन आ गया जो आपने याद किया तो कर सकते हो, इसमें से चार पाँच करोगे तो चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शन है, ये रोल दिख रहा है, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ये तीन टॉपिक कंपलसरी इसमें हो गए पढ़ना ही, इसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन खास पढ़ लेना है, इसमें रोल ऑफ सेबी, रोल ऑफ सेबी पहले पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होने वाले जैसे ही, जैसे इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, बट इग्नोर करोगे तो चलेगा, बट जो यूनिक क्वेश्चन है रोल ऑफ सेबी वाला पढ़ लेना है, और जो इसका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्या है, फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक और रोल, ये बेसिक कहलाता है, ये तीन बेसिक में से पूछने के चांस। उसके वाला एक्स्ट्रा क्या होता है, यहाँ पे जो दिख रहे हो आपको न्यू इश्यू, इन में से मोस्ट ऑफ दूसरा अगर उसे पूछना है तो पूछ सकता है, बट इसकी तैयारी आपको एक सपोर्ट के रूप में करनी, तो बेसिक क्वेश्चन तीन जो मैंने कहा और चौथा रोल ऑफ सेबी, ये पढ़ लीजिएगा तो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दो को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, 90% इसकी तैयारी कर लीजिए, उसकी 10-20% कर लीजिए, तो इस तरह से स्ट्रेटेजी आप अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको क्लियर होगा, इसके बाद भी कोई क्वेरी लगती तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसके अलावा कोई वीडियो चाहते हो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।